दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं भी अभी ठीक ठाक हूँ, मतलब अभी दवा वा खा ली है अभी भी, और मतलब पेट तो थोड़ा ऐसा ही चल रहा है मेरा, हल्का फुल्का टाइप का ठीक ठाक। और ये देखिए सुबह से उठ के देखिए 12 बज गए हैं, 2 बार चाय बन चुकी है और पता है 3री बार चाय बनाने मैं जा रही हूँ किचन में। और ये देखिए मैंने चढ़ा दी थी तो अदरक ख़त्म हो गया है, बच्चे गए अदरक लेने के लिए आ गए। देखो मैंने गैस बंद कर दी थी, मैं कि अदरक खत्म हो गया, चाय इतनी बन रही है तो क्या ही होगा। और ये देखो सुबह से बैठ के नहा धो के सब मस्त बैठे, मतलब कोई चिंता नहीं है इन लोग को। जब भी कभी जरूरत, जब सब बैठ जाते हैं ना सब यहाँ पे आके, तो गप्पे पता नहीं कहाँ कहाँ की पूरी पुरानी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब निकल आती है, इतनी बातें होती हैं। अदरक ले आया बेटा है वो है दोस्तों, मतलब अब देखिए नाश्ता भी मंगाया है इन लोगों ने। भाई मैं तो देखूँ खाऊंगी तो थोड़ा बहुत, नहीं तो मेरा पेट अभी भी मतलब वैसे थोड़ा दुख दुख रहा है, दर्द तो नहीं है अभी ठीक ठाक है। तोड़ दो तुम गेट को इतने जोर से कर रहे हो। चलो भाई चाय बना लेते हैं, चाय ऑन कर देते हैं गैस में, क्योंकि मैंने बंद कर दी थी, मेरी फालतू में जलती रहेगी चाय। अब बच्चे अदरक डाल देते हैं, क्या ले आया बेटा है, क्या क्या मंगाया? अदरक प्याज लेके आए। चलो भाई अदरक निकाल दे, ला मुझे दे दे तुम। अरे ये है ना, ये अदरक निकाल, ये सबसे मस्त वाला अदरक है। चल ठीक है, ये वाला सही है। चलिए भैया ये चाय बना लेते हैं और उसके बाद थोड़ा जाऊंगी मैं अपना, वो मेरा चश्मा था यहाँ से बना के लेके गई थी ना, वो पता नहीं उन्होंने पुराना फ्रेम दे दिया था कि जाने के बाद 10 से 15 दिन में ही वो टूट गया, पता नहीं रखा रखे चटक गया कैसे, पता नहीं क्या हुआ। चलिए तो अब दूसरा चश्मा बनवाने जाना है मुझे, तो अभी चाय बना लेते हैं, इन लोग को नाश्ता वाश्ता करा लेते हैं, फिर आगे तक काम जो भी होगा चलिए देखेंगे। मुझे आज फेशियल पर भी जाना है, फेशियल भी कराना है। एक्चुअली कल ही जाना था, हमने कल की अपॉइंटमेंट ली थी, लेकिन कल मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, ऊपर से भैया का वो हो गया एक्सीडेंट, तो इसके चलते और फिर कहीं जाने का नहीं हुआ। तो आप करेंगे आज काम, करेंगे काम, क्योंकि हमारे पास तो ज़्यादा टाइम है नहीं ना, 2 ही दिन बाकी हैं बस। चलो भाई फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हाय बोलो। अच्छी ये अच्छा नहीं लग रहा। और ये वाला यार अभी अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे जो शाइनी शाइनी है ना वो वाले अच्छे लगेंगे। हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा साइज में थोड़ा बड़ा है ना। हाँ जो शाइनी शाइनी होता है वो अच्छा लगता है। सिया तुम्हारे पापू को गंदा बोल रही है मामी। गंदा? गंदा कापे बोल रहे हैं। ये मामू मामी बोल रही है तुम्हारे पापू गंदे हैं। गंदा कापे बोल, यहीं पे बोल रही है तुम्हारे पापू गंदे हैं क्या? तुम्हारे पापू बोल। सिया तुम, सिया तुमने मुझसे प्यार नहीं करा, एक बार ही किया, एक बार और करो, और करो मुझे प्यार। हम ये बेटा मैं आ गया, मेरा बेटा मम्मी से मैच कर लिया। सिया तुम खुश हो रही हो? खुश ये आते ही घर में हल्ला उल्लू शुरू हो गया, और आधी एकदम अलग, आधी इतना प्यार से नहीं खेलता वो, अकेले वो मस्त खेलता है। और ये दोस्तों मेरा चश्मा बन चुका है, और एक और दो चश्मे बनवा के लाई हूँ मैं इस बार, जो कि मेरे दो हो गए, एक मैंने अपने बॉयफ्रेंड के जैसा बनवाया है जो कि अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों ये है मेरे बॉयफ्रेंड वाला चश्मा जो कि मुझे पसंद आ रहा था, बताइए कमेंट में कि बॉयफ्रेंड वाला ज्यादा अच्छा है कि हस्बैंड वाला ज्यादा अच्छा है। सच्ची बताओ भाभी, बताओ कौन सा चला रहा है, ये वाला? ये तो वो है ना ऑटो लेंस है ना, इसमें तो दुखाव वाला है। देखिए हम आ गए हैं कहाँ से, पार्लर से, हेयर स्पा लेके, फेशियल कराया नहीं, पैसे की बचत कर ली है, मतलब पैसे हैं पर बचाने में क्या जा रहा है, खा लेंगे उनको। कंजूसी नहीं करी एक्चुअली, बस ऐसे मूड बन गया कि छोड़ देती हूँ, नहीं कराई तो इसलिए नहीं कराई हूँ। अब चल रहे हैं घर,
और दीदी तो लेके आई हैं अपना आइटम, दिखाओ भाई क्या लाई। बरूले आप जानते कि नहीं हमारे यहाँ बिकते हैं, तो मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरा तो पेट खराब है। बाकी शिल्पी के लिए लेके आई हैं, तो शिल्पी आए हैं घर पे दोस्तों, और मुझे पता चला कि सब लोग हैं छत पर और क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। मैं भाई ऐसा मोमेंट बहुत बार यार, देखिए सोनू और ये उड़ा रहे हैं पतंग, पतंग है आकाश में, देख सकते हैं आप। इधर देखिए मेरे इशू को, नहीं इशू है, खेलने आ गए हैं बैडमिंटन बच्चों के साथ में। दिल दो दिल दो दिल दे रे रे दिल दे रे दिल दे रे रे ओए ओ सीधे रे सीधे रे ओए सीधे रे री खींचो खींचो बस। ये देखिए दोस्तों, ये कैट बैठी हुई है बेचारी, है उसको चोट लग चुकी है एक्चुअली, और हमने इसको अंदर ले आए हैं घर में, तो इसको बिठा दिया है मैट पे, चोट भी लग रही है, तो हमने इसको हल्दी वल्दी भी लगा दिया यार। अब थोड़ा सा देखते हैं कल तक कैसे है दोस्तों। आज बनाई है हमारे शिल्पी मैडम ने पनीर की सब्जी इन डिफरेंट स्टाइल, और ये पूड़ी। और आदि क्या कर रहा है, आदि पापड़ खा रहा है, पापड़। और सोनू भी पापड़ खा रहे हैं, और साईं साईं भी पापड़ खा रहे हैं। खाना पीना बन रहा है, क्योंकि कल तो भाई कुछ बन नहीं पाया था, तो मेरी भी तबीयत खराब थी कल, तो ऐसा हो गया था हमारे घर में कि कुछ पूछो ही मत खराब था, तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी मेरा बर्थडे तो ऐसे चला के करके, तो भाई बोले ठीक है आज बनाएंगे खाना पीना। दोस्तों अभी खाना पीना खाते हैं, और थोड़ा सा फिर भाई दवा ववा खानी है मेरे को, तो और देखिए 10:15 बज गया आज हमारा डिनर। देखिए यहाँ आते हैं तो 12:00, 1:00 तो नाश्ता वास्ता करते करते हम लोग को हो जाता है। संगम विहार में आने का मतलब यही है हम लोग का, बहुत लेट 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 सब चीज़। भैया अभी आए नहीं शॉप से, तो भैया आएंगे तो फिर सब लोग खाना खाएंगे, पहले बच्चों को खाना खिला देते हैं। आज के ब्लॉग दोस्तों यही एंड कर देते हैं, कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।